हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने अपना ICER UG PG और PhD का रिजल्ट चेकआउट कर लिया होगा, ठीक, अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। अब आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप सभी लोग के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि आपकी रैंक क्या हो सकती है, आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा जो आपको रैंक निकालना सिखा रहे थे, ठीक है, तो बिल्कुल गलत चीज़ आप फॉलो कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आपका NTA स्कोर दिया गया है, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज उसके बाद एक टोटल परसेंटाइल दी गई है, ठीक है। जैसे कि इनका दिया है 99.131041, ठीक है, ये आपका NTA का स्कोर है। अब आप परसेंटाइल में मानो या फिर जो भी मानो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फार्मूला के बेसिस पे लोग अपना रैंक प्रेडिक्ट करके मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर मेरे 22 के रैंक है, मेरे 32 है, मेरी इतना है। तो यार ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आपको किसने बता दिया कि ये चीज़ है आपकी इस रैंक के लिए। आप लोग यहाँ पे ये पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ कि द NTA स्कोर ऑफ कैंडिडेट हैज़ बिन कैलकुलेटेड एज फॉलो। जो NTA का ये स्कोर है, ठीक है, जो NTA का ये स्कोर है, ये स्कोर इस फॉर्मूले के बेसिस पे दिया गया है, ना कि ये फार्मूला आपके रैंक निकालने के लिए। अभी आपका रैंक कोई भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी आपको मार्क्स नहीं बता सकता कि कितने मार्क्स पे आपकी इतनी परसेंटाइल है और इतने परसेंटाइल पे आपका क्या रैंक हो सकता है। जब तक ICER ऑफिशियली रैंक कार्ड रिलीज ना कर दे, तब तक आप खुद से कोई भी प्रोडक्शन मत लगाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपको केवल क्या करना है, केवल आपको वेट करना है। आफ्टर 2 to 3 days, यानी इसे मैक्सिमम 4 दिनों में आपकी ICER की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी इस वेबसाइट से। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, ये वेबसाइट है ICER भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जिसमें आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है UG PG PhD, लेकिन अभी ये कॉलेज के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन यूनिवर्सिटी लॉगिन का, ठीक है। तो UG PG PhD का लॉगिन ID पासवर्ड, हर जैसे आप सभी बच्चों का एक ID पासवर्ड होता है, उसी तरीके से सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक ID पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू लॉगिन करके अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंबाइंड काउंसलिंग होगी, सभी का कंबाइंड होगा, इसलिए आपको भी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। पहली चीज़ ये कि जितने भी राउंड में काउंसलिंग हो, आपको बहुत ही आराम से वेट करके काउंसलिंग करना होगा, ठीक है। और जिसको भी कोई दिक्कत हो रही काउंसलिंग में, वो हमारा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी, काउंसलिंग तक की, मॉपअप राउंड तक की हेल्प की जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। तो जिसको भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको डेली, जो नॉन पेड वाले हैं उनको भी यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट डेली रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। बट जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कल की डेट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी फ्री काउंसलिंग कराऊंगा, मेरे पास कल की डेट में बहुत सारे मैसेज आए। आप मेरे पास टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए, ठीक है। मैं अकेले इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2-4 लोगों के साथ मिलकर पेड काउंसलिंग स्टार्ट की है, जिसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पूरी डिटेल्स उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और ये चीज़ है ICER की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको रैंक कार्ड रिलीज की जाएगी और जहाँ से आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। आप लोग वेबसाइट देख लीजिएगा ICER exam.net, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ये अभी जो लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये कॉलेज के लिए है। और सेम ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करके आएगा, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी लॉगिन है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, अभी आपको स्कोर कार्ड का वेट करना है। अपने से यार खुद से प्रोडक्शन मत लगा लो कि हमारा इस रैंक पे, अरे इस स्कोर पे, इस परसेंटाइल पे हमारा इतना रैंक होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे देंगे, आप इसको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपना रैंक निकाल सकते हो। यार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है ये, बिल्कुल आप अगर मान रहे हो तो मतलब छोड़िए, कोई बात नहीं आप, बट मैं फिर से इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपके रैंक के लिए नहीं है। इस फार्मूला के बेस पे NTA ने आपका स्कोर डिसाइड किया, यानी इसे ही फार्मूला लगा करके आपका ये परसेंटाइल रिलीज किया गया है, ठीक है। तो आपके रैंक से इस फार्मूले का कोई रिलेशनशिप नहीं, सो इसको भूल जाइए। ऑफिशियली रैंक का वेट कीजिए, ऑफिशियल रैंक कार्ड जब तक नहीं आता तब तक आप बिल्कुल मत मानिएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी कि 75% वाला बंदा भी 5000 रैंक हो सकता है, 60% और 80% वाला बंदा भी 10000 रैंक हो सकता है। ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे, इसीलिए हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए जोर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसका प्रॉफिट आपको होना है, ठीक है। क्योंकि जिनके डे वाइज एग्जाम, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, जो हार्ड इजी पेपर एवरेज मोड था,
वो सारी चीज़ें आपके कट ऑफ पर डिपेंड करती हैं। सो आपको बस प्लीज़ वेट करना है थोड़े दिनों का, जैसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हाँ, जिनको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। आफ्टर रिजल्ट जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपके स्कोर कार्ड का है, ठीक है? तो स्कोर कार्ड के रिजल्ट के डिक्लेरेशन का वेट कीजिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना रिजल्ट लेके आप लोग आराम से वेट करो, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर लो, कलेक्ट कर लो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप हमारे से आगे पूछ लो, जो भी दिक्कत आ रही है अब मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। सो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी टाइम टू टाइम रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक।